हिसार के पंचायत भवन में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकटें दिलवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बरवाला की मुख्यमंत्री रैली पर बोलते हुए कहा कि कपास रैलियों की वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने कहा कि इस रैली में बच्चों को रुपए देकर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इनेलो के पास राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इनेलो ने SYL का मुद्दा बना रखा है। इनेलो के कार्यकर्ता सम्मेलन करके गिरफ्तारी देते हैं, वह झूठी गिरफ्तारियां देते हैं। ऐसे में इनेलो को सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है? आज हमारा हिसार जिले का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। इंद्र गंगा जी और तमाम साथी सहयोगियों ने मिलकर के आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस तरीके से जब से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू हुआ आज तक पूरी तरीके से 100% यह आरक्षण लागू नहीं हुआ। प्रदेश में जिस तरीके का मामला है अब, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया तो लोगों के मन से भी भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। अभी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर रैली थी कि बच्चों को ज़बरदस्ती उनको पैसे दे करके स्कूल के बच्चों को लाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के से लोगों का मोह भंग हो गया है। दूसरे लोग आते नहीं हैं, ज़बरदस्ती पैसे का प्रलोभन दे करके लाया जाता है, उसके पीछे लिखवा दिया जाता है कि नरमे का ये रेट, बाजरे का ये रेट, कपास का ये रेट, तो इस तरीके से और वो सारा चीज़ें वायरल हुई है। आज न्यूज़ के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।